जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सीरीज सेमिस में आप टिकट लॉगिन कैसे करोगे। जी हाँ, टिकट लॉगिन करने के लिए आपको जो यहाँ पे न्यू हेल्प डेस्क का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये पेज कुछ रिफ्रेश होकर एक न्यू टैब में ऐसा ओपन होकर आता है जहाँ पर आपको दिखता है सेगमेंट। और आपको सेगमेंट में आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन डाउन सीरीज सेमिस एंड नन डीसीएमएस आपको दिखता है। और उसके बाद आपको दिखता है नेक्स्ट है कैटेगरी, आप कैटेगरी वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन डाउन में किस कैटेगरी में आता है। एप्लीकेशन डाउन अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपकी क्या कैटेगरी होगी। अगर आप सीरीज सेमिस सिलेक्ट करते हो तो उससे रिलेटेड जो भी कैटेगरी होगी आपकी वो शो करेगा। अब है आपका जैसे कि नन डीसीएमएस, अगर आप वो सिलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ उस सारे रिलेटेड उससे कैटेगरी दिख जाएगी जो कि इससे रिलेटेड होगी। कहने का मतलब इस तरीके का जो भी प्रॉब्लम, अगर इससे रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है तो आप वो सिलेक्ट करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। डायरेक्ट न्यू आपको लेफ्ट साइड में दिखता है न्यू टिकट, आप जब उस पर क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है न्यू टिकट का, उसके नीचे है व्यू टिकट। अगर आप व्यू टिकट पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे तो आप जो भी टिकट लॉगिन करके रखे होंगे आपको वो दिख जाएगा। उसके बाद लास्ट में थर्ड स्टेप है आपका, जैसे कि थर्ड में है लाइव चैट। जब थर्ड में जो लाइव चैट है आप उस पर क्लिक करते हो तो इसके बाद आपको राइट साइड में सबसे नीचे आप देखेंगे वहाँ पे एक चैट का ऑप्शन आ गया है। जो कुछ भी यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन आ रहा है वो फिल करके यहाँ से आप लाइव चैट करके भी इनसे कुछ सोल्यूशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखता है कुछ कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था, मेरे सीरीज में इसमें क्या एरर आ रहा था जिसकी वजह से मैंने टिकट लॉगिन करी है, और वो वीडियो मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ कि हो सकता है कि आपके साथ भी कोई ऐसा इशू आ रहा हो। कुछ रजिस्ट्रेशन हमने करी है जो कि पिछले महीने में ही करी है, वो अभी तक हमारे सीरीज सेमिस में शो नहीं हो रहे, और उसके बाद हम जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो कोई भी शो नहीं हो रहा। इसके कई रीज़न भी होते हैं लेकिन वो मैंने चेक कर लिया है, ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। जैसे पहले कोई भी इनका कनेक्शन वगैरह पहले से नहीं चल रहा, तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, सीरीज सेमिस में जो ये ऑप्शन है हेल्प डेस्क का, कहने का मतलब जो आप टिकट लॉगिन का, हम वो लेकर यहाँ से इसकी सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे सीरीज से हमें सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है जिससे भी रिगार्डिंग होगी। जैसे कि मेरा न्यू कनेक्शन रिलीज से रिलेटेड है तो मैं सिंपल यहाँ पे वही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे न्यू कनेक्शन रिलीज नहीं हो रहे हैं, मैं वो सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन का, आपको सिंपल क्या करना है, आपका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए यहाँ पे, जो आपके साथ एरर आ रहा है आपके सिस्टम में, जो भी दिक्कतें आ रही है आपको सिंपल क्या करना है, वो सारी डिटेल्स आपको उसमें मेंशन कर देना है, अच्छे से सारा कुछ फिल कीजिए जो कि आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है। ये बहुत ही ध्यान से करने वाली चीज़ है क्योंकि आप जो भी कुछ भी आपके साथ एरर आता है वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो वो चलिए वो हम मेंशन कर लेते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजोल्यूशन टाइम आ रहा है कि ये 12 आवर्स पे पहले हमें क्या करेगा, सॉल्यूशन दे देगा। अब उसके नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको एक टीम व्यूवर की आईडी डालनी होती है, तो मेरे पास टीम व्यूवर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, एनी डेस्क की जो भी मेरी आईडी है मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और डीलर कॉन्टैक्ट नंबर सिंपल आपका जो भी है आप वो फिल करेंगे, आपका जो भी डीलर कॉन्टैक्ट नंबर है आपको वो फिल करना है। तो चलिए हमने वो फिल कर लिया है और चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जो प्रॉब्लम आ रहा था हमें, हमने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से उसको अटैच कर देना है और यहाँ पे लास्ट में दिखता है आपको सबमिट का ऑप्शन, आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा और वहाँ पर लिख कर आएगा कि एक हेल्प डेस्क आईडी दिख जाएगी आपको, और ये देखिए आपके सामने आ गया हेल्प डेस्क, आपकी टिकट सक्सेसफुली लॉगिन हो चुकी है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि टिकट आपका लॉग हो गया है और टिकट नंबर भी मिल चुका है। बस डेट रेंज सेलेक्ट कीजिए, सर्च कीजिए और यहाँ से आप जितने भी टिकट लॉक किए होंगे जिस डेट में वो सारी दिख जाएगी। आप चाहे तो उसका डिटेल्स वगैरह भी देख सकते हैं कि आपने कौन सा स्क्रीनशॉट अटैच किया था, क्या डिस्क्रिप्शन लिखा था। आई होप गाइज आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपने सीख लिया होगा कि कैसे सीरीज सेमिस में टिकट लॉग इन करते हैं। जी हाँ, अगर आप सीख गए हो और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह के कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं टीवी आउट टीवी इन करना सीखना तो आपको जो लेफ्ट में वीडियो दिख रही है आप उस पर क्लिक करके आसानी से सीख सकते हैं।